नमस्कार दोस्तों, हर्षंदिया के किचन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। जितने माता रानी भैया हमारे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें। यहाँ पर जैसे देख रहे हैं हम सिस्टर की शादी में आए हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं सजावट शुरू हो गया है। तो सजावट देख रहे हैं कि आधे दूर हो चुका भी है, जैसे बारात का तैयारी हो चुकी है। यहाँ पर इधर देखिए इसी तरह से इधर बारात को रोकने का इंतजाम हुआ है। ठंड के मौसम जैसे है तो ये बगीचा टाइप में जैसे देख रहे हैं। इधर देखिए रेडीमेड बाड़ू भी लगा है, काफ़ी अच्छा सजावट हुआ था जैसे देख रहे हैं। तो घर पर जो भुजनिया जल रहा है तो बड़ी वाली लाइट जल रहा है तो उससे दब जा रहा है। यहाँ पे देखिए साक्षी गेट के पास में खड़ी है आ रही है, वो भी साक्षी बहुत काफ़ी मस्ती कर रही थी, जान रही है कि वीडियो बन रहा है। तो यहाँ पे बहुत दो तीन बार दौड़ के आ रही थी जा रही थी। यहाँ पे देखिए बकर का खाना भी बन रहा है, यहाँ पे कॉफ़ी। और यहाँ पे देखिए मेरे दीदी लड़का आकाश है, थी पहले पूजा कर रहा है, कॉफ़ी तभी शुरू होगा। एक आ रहा मौसी में पहले पूजा यहाँ पे कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे पूजा कर ले रहे हैं। यहाँ पे देखिए सभी खाना बनकर तैयार हो चुका है, थोड़ा सजा कर रख दिया है। तो पहले अगरबत्ती जला जाएगा, अगरबत्ती जलाने के बाद सिर्फ बकर शुरू हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कुछ लोग आ भी गए हैं, यहाँ पर टाइम है, तैयारी हो चुका है। अब इसके बाद देखिए इसी तरह से पूरा सजावट हुआ है। अब चल रहे हैं आप लोग को जहाँ पे जयमाल मल हो रहा है, यहाँ पे खाना शुरू होने जा रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं खाना सारा बन रहा है इधर साइड में। तो अभी जैसे ये रहा है कि चालू हो जाता है जब, तो गांव वाले खाकर निपट जाते हैं, अपना निकल जाते हैं, तो भी थोड़ा कम हो जाता है। यहाँ पे पूरी बिला रहा है, देखिए निकल रहा है पूरी बिलाकर। देखिए पलटा दिखा रहे हैं, हंस रहे हैं, सोच रहे हैं कि वीडियो बन रहा है। कोई पलटा दिखा रहा है, कोई खड़ा होकर इस पर सोच रहा है रिकॉर्डिंग अपना करवा रहा है। ये सब हलवाई लोग हैं, तो यहाँ पर हलवाई 15-16 लोग थे। जैसे देखते हैं बफर सिस्टम जब रहता है तो बहुत ज़्यादा हलवाई लोग का काम लगता है। यहाँ पे आप चल रहे हैं तिलक होने, पहले तिलक नहीं चढ़ा था, अभी तो तिलक चढ़ेगा पहले, और उसके बाद जैसे घर पूजा होगा यहाँ पर तिलक का तैयारी हो रहा है। तो तिलक हम लोग को किसी को द्वार पर लड़का लेके नहीं जाता है, घर पर चढ़ता है तिलक। जब यहाँ पर देखिए तिलक का तैयारी होगा, दुल्हा आ चुके हैं। यहाँ मेरे छोटे भाई को देख रहे हैं, माला पहनाएगा तो निकाल के हाथ में ले लिया दुल्हन। तो दुल्हा देखिए आकर यहाँ पर बैठ रहे हैं। तो आप लोग इसी तरह से वीडियो में देखते रहिए। मामा जी देखिए हमारे मामा खड़े हैं, तो मामा हमारे जैसे देखते हैं सभी लोग का शादी मामा हमारे करवाए हैं। गुरु आते हैं तभी मामा भी करवाते हैं, मामा मेरे बहुत अच्छे शादी कराते हैं। तो तिलक भी मामे चढ़वाए थे यहाँ पर, दर पूजा मामे करवाए थे, शादी भी। यहाँ पे देखिए दूल्हा बैठ गए हैं, रूम बका हो। यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग साइड में पापा दिखाई पड़ते होंगे, पापा भी बैठे हैं कुर्सी सोफा पे। वो लड़की के देने के लिए सोफा आया था, वो लग गया था साइड में, सब लोग बैठ रहे थे उसी पे। यहाँ पे देखिए तिलक का तैयारी हो चुका है, अब तिलक चढ़ने का शुरू होने जा रहा है। यहाँ पे देखिए मेरे बड़े भाई हैं, तो कपड़ा चेंज करने के लिए टाइम भी नहीं पाए हैं, तो जो पहने थे वही पहन कर आ गए। छोटा भाई यहाँ पर तिलक बाद सारी रस्म वही करवाए हैं, कन्यादान जैसे था मेरे पापा ने, आप लोग जानते ही हैं, तो कन्यादान का रस्म जो था मेरे बड़े भाई की करना था, तो इसलिए छोटे भाई जो तिलक था, दर पूजा था, तो दर पूजा मेरे बड़े पापा लिए थे। यहाँ पे देख रहे हैं बाऊ भी अपना रिकॉर्डिंग बना रहा है, लेकर कैमरा चालू किया है। तो देखिए यहाँ पे बना रहा है साइड में, यहाँ मामा भी बैठ गए हैं। यहाँ पे सब लोग इसी तरह होता है गांव में, यहाँ पे दर पूजा हो रहा है, आप लोग देखते रहिए इसी तरह से। फिर जयमाल का भी वीडियो हम आप लोग को आगे चल के दिखाएंगे, दूसरे वीडियो में बहुत लंबा वीडियो हो जा रहा था। यहाँ पे मेरे जीजा भी बैठे हैं बगल में, यहाँ पे देखिए इसी तरह से सब लोग आ रहे हैं पहले, फिर अपना बफर में कुछ लोग जा रहे हैं खाने के लिए भी। यहाँ पे तिलक में जो रहता है आधे सामान देखिए पीछे रखा गया है चढ़ाने के देने के लिए, तिलक में दे जाता है और सामान सब सुबह में देता है, दिया जाता है। तो फल जो रखा है तो पीछे ढका है, लोग नहीं रहा अपना। यहाँ पे फल दिया जा रहा है चढ़ाने के लिए, उसमें अगरबत्ती भी खुश आ गया, तो सारा सिस्टम इसी तरह से गांव पे हो जाता है। तो जो लोग गांव के होंगे उनको तो मालूम होगा तिलक उलक कैसे चढ़ाया जाता है गांव में, तो उसी तरह देखिए यहाँ पे चढ़ जा रहा है। तो यहाँ पे घर का सीन भी थोड़ा सा ले लिए हैं,
यहाँ पे देख रहे हैं मंडप भी है, तो मंडप आप लोग से अगली वीडियो में बताए थे कि जैसे रेडीमेड लगा है, देखिए रेडीमेड मंडप इसी तरह लग गया। पापा बैठे हैं, ड्राइवर बैठे हैं, देखिए यहाँ पे साक्षी बैठी है, सरगम चौधरी खा रही है। तो साक्षी अभी बोल रही है कि दीदी थोड़ा देखो कैमरा चालू है। तो साक्षी फोटो खिंचाने में तो आ गई। देखिए मेरे अंकल जी बैठे हैं, मेरे भाभी की, सभी लोग देखिए इसी तरह से। उधर देखिए बफर सिस्टम है जहाँ पे जा रहे हैं बच्चे, तो अब बफर चालू हो गए, सारे बच्चे खाना शुरू कर दिए हैं अपना। अपने घर पर ढोकर ले जाते हैं, जब जितना खाना हो तो वहाँ पे खा लेते हैं। तो देखिए चौमिन में ज़्यादा करके बच्चे गांव में देखते हैं, चौमिन हुआ, कॉफ़ी हुआ, फुल्की हुआ, ये सब पे बच्चे ज़्यादा दौड़ते हैं। यहाँ पे देखिए चौमिन शुरू हो गया, इस तरफ पैक होते जा रहा है, बच्चे लेते जा रहे हैं। अरे इधर देखिए छोला भी है, छोला भी चालू हो गया। तो सारा बफर चालू हो गया, तब लोग सभी खाने लगे हैं। जीजा यहाँ पर देखिए किसी से हमारे खड़े होकर बात कर रहे हैं, जो देख रहे हैं येल्लो कलर में पहने हैं कोट को। तो इसी तरह से आप लोग बने रहिए वीडियो में हमारे, देखते रहिए आप लोग। तो जैसे देख रहे हैं कि इस समय तबीयत भी ख़राब हो गया हमारा वहाँ से जब हम आए हैं, तो कोई भी वीडियो बना नहीं पा रहे हैं। पहले का जो वीडियो था यही हम छोड़ रहे हैं इसको, इसके लिए आप लोग से क्षमा चाहते हैं। आप लोग हमारे वीडियो को देखते रहिए इसी तरह से। तो देख रहे हैं सब गांव के लोग खा रहे हैं यहाँ पे, तो गांव के जैसे एक तक खा के सभी लोग लड़कियाँ चली गई हैं। उसके बाद ये रिकॉर्डिंग चालू किए थे दिखाने के लिए। तो अब उधर जैसे था कि दौर पूजा की तैयारी हो रहा है, चढ़ गया तो दौर पूजा का तैयारी भी हो रहा था उधर। तो ये कैमरा लेके इधर चले आए थे दिखाने के लिए, बहुत चालू हो गया है यह। हम तो एक बार भी नहीं गए थे कि आप लोग कुछ भी सीन वहाँ पे दिखा पाए पहले, तो जहाँ तक कर पाए रिकॉर्डिंग वहाँ तक कर लिए पहले। इसमें देखिए सब बच्चे भाग दौड़ कर रहे हैं जो चालू हुआ। तो ये देख रहे हैं जो भैया की मेरी लड़की है बड़ी वाली, वो भी इसी में आकर अपना पानी नहीं पी रही है, क्योंकि घर में ही रहता है ना, बच्चे पे कोई ध्यान भी नहीं देता है। कोई भी घर में रहता है, रामायण हो तिलक को घर में शादी रहता है, तो बच्चे को कोई ध्यान नहीं देता, तो बच्चे भूखे रहते हैं, वो इसी तरह रहते हैं, खेलते खेलते थक जाते हैं। जब यहाँ पर चालू हुआ तो दौड़ के आ गई यहाँ पर खाने के लिए। सभी लोग यहाँ पे बफर में इसी तरह से खाना खा रहे हैं। कुछ लोग सोच रहे हैं कि इसमें जो नहीं जान रहे कि वीडियो बन रहा है, तो वो लोग सोच रहे हैं कि ये क्या रिकॉर्डिंग यहाँ पर कर रहे हैं आकर। चलिए चलिए नहीं लेंगे का भोजन, हम मीठा भी इसी तरह से देखिए चल रहा है, पहले जैसे जो खा रहे हैं उसकी तरह थमाते जा रहे हैं। तो मीठा भी जैसे दिख रहे थे बना था, जो तो आप लोग को वीडियो में अगली वाले दिखाए थे वीडियो में। जीएनपुर क्रॉस किए हैं, दो घंटे क्रॉस कर दिए हैं कि जैसे देखते हैं जो काम करने वाली रहती है वो कर दिए हैं खाने के लिए। दो लोग खड़े हैं, लड़कियां सब खा के चली गई, लड़के लोग आ रहे हैं कि मैं हार कर दिया, क्रॉस कर दिया, मार कर दिया। अब भाई जैसे कि लड़के लोग खा रहे थे कोई नहीं आता जल्दी, जीवनपुर जो चौराहा बा वहाँ जाम लगे। इसी तरह वीडियो हमारे आप लोग देखते रहिए पहले सभी लोग को, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबे वीडियो बना लिए थे खाना का बस, और कोई सीन उतना नहीं दिखा पाए, खाली खाने के दिखाएं ज़्यादा, जो हम वीडियो चालू किए देखने बोलने के लिए रिकॉर्डिंग की बोल दे भी यहाँ पर। तो देख रहे हैं बहुत ज़्यादा लंबे दोहरा कर एक रिकॉर्डिंग कर लिए थे इसमें। तो इसके लिए हम आप लोग से क्षमा चाहते हैं कि आप लोग ये मत कमेंट मत करिएगा कि किसी ने बार बार आप दिखाएँ उसमें। यहाँ पे देख रहे हैं घर के पीछे से बसवार भी बहुत ज़्यादा था, तो उस सब कभी सीन इसमें आ गया। तो चलिए आज का वीडियो इतना था, आप लोग को अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलो। फिर नए वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। फिर जयमाल का वीडियो इसी तरह आप लोग को हम छोड़ेंगे दिखाएंगे।